यहाँ पे मेरा कुर्सी क्या कर रहा है? यहाँ पे पता है जो ऑफिस था ना मेरा, हमने अपना ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट कर लिया गाइस। इधर से ताजा हवा आएगा, कंप्यूटर पे बैठे बैठे चिल्लाएंगे गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो। आज हम लोग एक नया गेम ट्राई करेंगे जिसका नाम है कार सिमुलेटर 3। ठीक, हम क्या ट्राई करेंगे यार, बड़े बड़े यूट्यूबर यही खेल रहे हैं तो इसलिए हम खेल रहे हैं। हमको क्या भैया, वो बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े लोग हैं, खेलते हैं, उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या रोटी पानी कैसे चलेगी गाइच। तो गाइच ये है अपने घर का नाम, दुकान का नाम निकल तेरी माँ की। ठीक है, तो ये नरोटो जो माँ की के छोटा भाई का नाम है निकल तेरी माँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा ऑफिस का नाम। और क्या करना है बे, ऑफिस अपग्रेड। घर जाएंगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएंगा पूरा। पैसा ही नहीं है, गरीबी है। हमको ही बताओ पैसा आता कैसे है। ये क्या है, कंप्यूटर बाहर रखेंगे। द ऑफिस मस्ट बी ओपन, यू कैन ओपन एंड क्लोज फ्रॉम दिस एंड। वो कस्टमर से राइट बिटवीन सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कस्टमर आते हैं। You have completed your work, office work, go to the neighborhood to buy a car. You can use the bus stops for faster than rest stop if you just outside the office. ठीक है, देखो मैंने अपना ऑफिस वर्क कर लिया है। ये नरूटो उजुमाकी है ना, नरूटो से उसका उसका छोटा भाई का नाम है निकल तेरी माँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, अपना कार खरीद सकता हूँ, देखता हूँ कि कोई कार यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। एक कार कोई दिख रहा है मेरे को, सेकेंड हैंड एक कार देख रहे हैं। ठीक, वो कार खरीद करके बेचना उसको, फिर कार को फिर हम उससे ज़्यादा दाम में बेचेंगे। गाइस आई एम अ परफेक्ट बिचौलिया, दलाल है, दलाली कर रहे हैं तो मेरे पैसे आएंगे, मेरा घर चलेगा। ठीक, तो ये देख रहे हो, ये तो मुँह से गरीब लग रहे हैं गाइस। अबे कार बेच दो नहीं तो तुम्हारे घर रोटी भी नहीं रहेगी। बोला हेलो ब्रदर, तुम कैसे हो? बोलता है इस कार में एक डिफॉल्ट किट है, मतलब कार में कुछ सामान है, इसलिए मैं कार का सामान मैं थोड़ा सा महंगा बेच रहा हूँ कार के साथ ही। ठीक, मैं आपको 12,591 रुपये दे रहा हूँ और मैं उसके साथ नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक ठीक मैं कोई नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो इसमें ये बता रहा है ना कि ये जो कार है ना, कार में ये चिप चिप के कुछ भी हेरा फेरी कर सकता है। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोगों को उसको उस हिसाब से बेचना होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। हमारे पास 7,500 रुपये भी नहीं, लगभग 7,400 रुपये हैं, 7,400। तो उस हिसाब से मेरे को बेचना होगा इसको, बहुत महंगा है यार, ये नहीं खरीद पाएंगे। और कोई कार दे रहा है गाइस? GTA रहता मुंह पे गोली मार करके कार ले लिए होते हैं। अब वो तो रहता है GTA वाले ने अपना कार बेचवाना चाहते हैं गाइस, मतलब चुरवाना चाहते हैं, चोरी को जाने जाने देना चाहते हैं। कार छोड़ के ऐसे बातें बताओ, आपके कार में कितनी EMI लगी होगी? GTA वाले ऐसे उठा के उसे फेंक देता है। जरा देखते हैं इसके पास कैसा कार है, ये भी गरीबी लग रहा है। माई फ्रेंड बोल रहा है कि भैया हम आपको कार 11,274 रुपये का देंगे। ठीक, 11,200 रुपीज़ का दे देंगे ये कार, और नेगोशिएट करने के लिए रेडी नहीं है ये यार। तो वो ये भी बहुत महंगा है, 7,500 का थोड़ी ना, मेरे पास 7,500 का भी यार। हमको ऐसा लग रहा है ना गाई, जितना पैसा हम लोगों के पास ना, उतना में कार छोड़ो साइकिल भी नहीं मिलेगा यार। सब कोई बेचने ही वाला है क्या है, यहाँ पे भंगार वाला जगह है। इसका तो यार पैर भी खराब है, बोल रहा है परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, कार का बढ़िया है, लेकिन ये कार तो नहीं लग रही है यार। आई मीन कोई बकरी से भी पूछोगे ना तो भी आंख बंद करके बता देगी कि इसको कार नहीं कहते। ये सर अपना कार बेचोगे? खोज में से तेज भाग सकता हूँ क्या? ये क्या, वो बड़ा बेकार गेम है यार, पता नहीं फेमस कैसे हो गया। चलो ये वाला कार खरीद लेते, मेरे ख्याल से ये वाला कार बेटर होगा खरीदना, क्यों? चलो पहला कार आ गया गाइज, मेरे पास अच्छा सा एक्सपीरियंस भी आ गया है। अगला तो चल ही नहीं रहा है यार, चूना लगा दिया क्या मेरे को? वो चूना लगा दिया। ए भाई इसको रिपेयर करके देना तो कितना पैसा लगेगा? बाहर उड़ गया, वेल्डिंग कर रहा है वो भी रेंच से। हमारा कार कुछ हुआ नहीं, इधर बम मार देंगे। उधर ही रिपेयर कर रहे हो भाई, इधर हम लोग इधर का नहीं करोगे? ऑफिस का टाइम भी बंद होने वाला है, फुल एकदम चपरासी होने का एकदम फीलिंग आता है इस गेम में यार। सब खेल रहे इसलिए खेल रहे, पैसा चाहिए, पैसा गेम में चाहिए, रियल में भी चाहिए यार। रात होने वाली है यार, एक गाड़ी भी अगर जो आज नहीं बिकेगी तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे यहाँ पे, भूखे रह जाएंगे।
यहाँ पे मेरा कुर्सी क्या कर रहा है? यहाँ पे पता है जो ऑफिस था ना मेरा, हमने अपना ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट कर लिया गाइस। इधर से ताज़ा हवा आएगा, कंप्यूटर पे बैठे बैठे चिल्लाएंगे गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो। आई एम जीनियस, ट्रिपल नाइन आई क्यू फ्रेंड्स। प्रिंट करवाया जाए क्या? और मजा देते हैं। फिर रिपेयर करना पड़ेगा गाइस, ये साला नालायक गेम कहीं का। $69 लगेगा, वाह बहुत पवित्र अंक है ये। कौन सा चिरकुट सा प्राइवेट कॉलेज से रिपेयरिंग सीखा है ये? दे रहा, चलो निकालते हैं यहाँ से। एक गाड़ी आ गया, इसको रिपेयर रिपेयर करवा लिया हमने। पेंटिंग वेंटिंग भी ठीक ही लग रहा है, बढ़िया गाड़ी तो है फ्रेंड्स। अभी कोई मेरे को चाहिए। ऑफिस खुली हुई है और देखते हैं कब तक बिकेगी ये गाड़ी। सेल पे चली गई है, ऑन सेल। अरे अरे नेक्स्ट, आइए आइए ले जाइए, किस बात का खेल है। हियर कम द फर्स्ट कस्टमर, टाइम टू सेल योर फर्स्ट कार। इफ यू गेट टू ऑस्ट्रेलियन कस्टमर्स वैल्यू, बोलता है कि बार्गेनिंग सौदा करना है कि कार कितना कीमत दे रही हूँ, ये कितना दे रही है। आई ड्यूड द कार वॉच इन अ लिटिल एक्सीडेंट नॉट बट इट्स ऑल कॉस्मेटिक माई फ्रेंड योर गोल्ड एंड द प्राइस ओनली $0 स्टिल। ये चोर चोर बाजार की चोरनी बोल रही, जीरो पैसा बह गई। पहली फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं तेरी। ओ आई थिंक द प्राइस इज रीजनेबल सो आई। यार इसको चप्पल से मारे कि जूते से मारे कि दोनों से मारे? $0 फ्री का ले रही। बट तुम्हारा क्या नोटिस, दिस कार विल मेक योर लाइफ इजियर एंड द प्राइस जस्ट $0। यू नीड टू स्लीप टू सेव द गेम, ठीक है। बोल रहा है ये ना कि कार तो बिक गई है, अब जब कार बिक गई है तो उसको सेव करने के लिए ना, इट्स बीन अ ग्रेट डे। रात हो गया, हम लोग अपना कार अपना बेच लिए हैं, ठीक। और चलो चलते हैं सोने के लिए, कल फिर से बेचने वेचने आया जाएगा। ये क्या गिरा हुआ है? कचड़ा ले लेते हैं गाइस। और इसके मुंह को मारते हैं साले। कोई साला कचड़ा, यही लोग फेंको होगा नालायक साले, यही लोग कचड़ा फेंक के गया यहाँ पे। ये मेरा डस्टबिन है गाइस, अब यहाँ कचरा थोड़ी फेंकेगी ये कचरा। ये कोई कचरा फेंकाने की जगह है क्या? ले कुत्ते, ऑफिस तो ओपन हो गया, अब जाके कार को मेरे को बेचना पड़ेगा। द कार मार्केट प्लेस इज ओपन, जा रहे कार मार्केट प्लेस पे जा रहे गाइस, यहाँ से टिकट खरीदते हैं। ओके यहाँ पे आ गया हम लोग कार मार्केट प्लेस, ₹10 खत्म हो गया। चलो कार खरीद के लिए आते हैं सेकंड हैंड। ये साली यहाँ भी आ गई मूठा चोर कहीं की। ए ये राम, ये कार तो हमको लगता है $0 का देगा वो। और बाप रे थोड़ी देर बाद, बड़ा महंगा महंगा कार है यार यहाँ पे। भैया ये कितना दे रहे हो खटारा गाड़ी? 8770। इसके साथ बार्गेन भी तो नहीं कर सकते ना, बात तो ये है ना। खरीद लिया मैंने कार, ये चलते अंदर, चलेगा ना कम से कम। यही तो अपना ऑफिस है ना, निकल तेरी माँ की। हाँ ये रिपेयर रिपेयर नहीं करेंगे गाइस, ₹0 का मिलता ही है साला। ऑलराइट
देख रहा चिपका के गाड़ी लगाते हैं, ये गाड़ी को लगा बेच देते हैं इसको। अरे हाँ हमने इतने रुपए में बेचा, अच्छा $0 हमने रखा था इसलिए क्योंकि जीरो में ही बिका है वो। मैं इसको बेचूंगा 5000 का। अबे यार अच्छा हमने $0 रखा था ना, हमको किसी ने बताया नहीं था कि भैया तुम इसको जितना दाम रख लो उतना रख सकते हो। तेरी तो देखते हैं सब आते ही कि नहीं। बात बताओ हम 3000 लगा करके हम 2300 में बेचेंगे? पैक ये दो कस्टमर और देख लेते फिर चलेंगे खिलाएंगे ठीक। इसका दाम बताएं 20000 रख देंगे, हटा देते हैं इसको, रिमूव फ्रॉम सेल कर देते हैं। इसका दाम रख देंगे 30000, कम दाम रखते हैं ना इसीलिए सने आ जाते हैं मूड में करके। 30000 रखेंगे तो कम से कम तो ये 10000 तो दे ही देंगे, 10000 देंगे कुछ कमाई होगा यार ठीक है यार। दो कस्टमर त्री पैदा हो गए हवा में से आ गए तो बढ़िया बढ़िया। मतलब भैया 3000 से तो कम से कम ज़्यादा प्राइस बताओ। पैक साला 2500 चिटकुट बता रहा है, दो दो लोग आए 2832 पैक ये कौन है ये क्या है 2852 यार। इतना हम जितना लगाए थे तो वो भी नहीं निकल पाएगा ना, ये तो बात है। 3000 लगाए थे 3000 तो निकले कम से कम। ये कितना दे रहा था, ये 2500 का दे रहा था। ये कितना देगी यार, मतलब कार कितना में देगी, कितना में लेगी, चलो देखते हैं। बढ़िया प्राइस बताओ यार, 3000 तो कम से कम बताओ। एक्स साला 2600 और लोग आ जाओ, कार ले लो कार ले लो। जा रहे गाइज अपने ऑफिस सोने के लिए। ये कार का सही दाम नहीं लग पा रहा है, इतना पे इतना रिपेयरिंग के बाद से मेरे को 2800 मिलेगा। हम बताए इसको रिपेयर नहीं करवाना चाहिए, इसको बाहर से चमका देना चाहिए था। तब ऐसा करने से क्या होगा ना कि कार में ना मतलब कि उसका दाम ज़्यादा में बिकेगा वो। सबसे बढ़िया प्राइस तो ये लोग दे रहा था। जा रहे अपने घर सोने चलते हैं फ्रेंड्स ठीक है। तेल लगाए कार, तेल लगाए सिलेंडर। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।